नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खेती की जानकारी में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में रोगों से छुटकारा कैसे पाएं। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं, अगस्त का महीना चल रहा है और रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके गन्ने की फसल में आ रहा है। किसान भाइयों, इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए पहले नंबर पर आपको अपने गन्ने की फसल में पत्तियों का तुड़ाव कर देना चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद आप दवाओं का प्रयोग करके गन्ने की फसल में रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में मुख्यतः लाल सड़न, उखेटा, कंडुआ, घसौला, टेड़ी का बौना रोग, पोका बोइंग, पीली पत्ती रोग, उपटा जैसे रोग लग जाते हैं, जो हमारी गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। किसान भाइयों, इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए मात्र आपको एक दवा का प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, इस दवा का नाम है प्रोटेक्ट, जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग हमारे किसान भाइयों ने पिछले वर्ष किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। क्योंकि किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग अगर आप अपनी गन्ने की फसल में करते हैं, अगर आपकी फसल में रोग नहीं लगे हैं, अगर आप इसका प्रयोग कर देते हैं तो आने वाले समय पर रोग नहीं लगेंगे। अगर आपकी गन्ने की फसल में रोग लग गया है तब भी आप इसका प्रयोग करते हैं तो उतनी ही मात्रा पर आपकी फसल में रोग रुक जाते हैं। किसान भाइयों, इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो यह मार्केट में आपको 400 रुपये का 5 किलो का बैग मिल जाता है, जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाई, आप 45 किलोग्राम यूरिया के साथ 5 किलोग्राम प्रोटेक्ट को मिलाकर अपने गन्ने की फसल में डाल सकते हैं, इससे सारी रोग खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको छोटी वीडियो में अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करें और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।